हेलो एंड वेलकम, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा एक बार फिर आप सबके सामने फेसबुक के माध्यम से लाइव जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। दोस्तों आज हमारे बीच हमारे 34वें बहुत ही बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका नाम है रितेश तोमर। दोस्तों आज हम रितेश जी से बात करेंगे, उनसे जानेंगे सीखेंगे किस तरीके से हम सभी के लिए मोटिवेशन है, प्रेरणा, और किस तरीके से उन्होंने अपने हिम्मत और हौसले के बल पर अपनी तकदीर को बदल दिया कि वो इस मुकाम तक है। दोस्तों एंड आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जो आप मुझे इतना सारा प्यार सम्मान दे रहे हैं, मेरी कोशिश को इतना सराह रहे। जी बिल्कुल, मैं अपने इस कार्य को ऐसे ही बरकरार रखूंगा एंड आपके बीच अपने नए दोस्तों को लेकर आता रहूंगा, उनसे लाइव आपको रूबरू करवाता रहूंगा। एंड आई होप कि आप सबको आज रितेश जी से भी बात करके बहुत अच्छा लगने वाला है। और ये जो मेरी कोशिश है कि पर्सन विद डिसेबल्ड को लेके जो समाज में ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस फैलाया जा सके, तो इस कोशिश को भी मैं ऐसी बरकरार रखूंगा दोस्तों। और आज हम रितेश जी से बात करने वाले हैं और रितेश जी हमारे सामने। थैंक यू सो मच रितेश जी, आज आपका अपने कीमती वक्त अपना दिया और हमारे दोस्तों के साथ फेसबुक के माध्यम से लाइव आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तेजस्वी फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड हेलो फ्रेंड्स। जी रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जेएनयू में आपका कैसे आना हुआ और जेएनयू का सफर अभी तक आपका कैसा रहा सर, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं? तेजस्वी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जाकिर हुसैन सेंटर फॉर एजुकेशनल स्टडीज, SSS में है ये। आपने जैसा सवाल पूछा कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मेरा कैसे आना हुआ, इससे पूर्व ये मैं बता देना चाहूंगा अपने दोस्तों को कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का मेरी जिंदगी में कैसे आना हुआ। जी मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से 2010 में अपना एमए कर रहा था हिस्ट्री में। तब एक लिबरल और प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट के रूप में पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे में मुझे मेरे अध्यापकों ने मुझे बताया कि इफ यू आर if you want to pursue research, JNU is a good platform for you. तो वहां से मेरी जिंदगी में पहली बार जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय आया। अब मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आया तो तब था 2012 और मैं MPhil कोर्स में एनरोल्ड हुआ था यहाँ पर। तब से लेकर लगभग 4 साल बीत चुके हैं और 5वां वर्ष ये है। अच्छा। मैंने अपना MPhil कंप्लीट किया, अभी मैं PhD में एनरोल्ड हूँ जैसे मैंने आपको बताया, और ये छोटी सी यात्रा मेरी रही अभी तक की यहाँ। अच्छा बिल्कुल सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको किस प्रकार की जो है स्पेशल एबिलिटी है? तेजस्वी, कोई स्पेशल एबिलिटी तो नहीं है मेरी, लेकिन हाँ एक डिसेबिलिटी है जी, जिसको कि ब्लाइंडनेस कहते हैं, दृष्टि बाधिता उसको हिंदी में बोलते हैं, और ये रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा की मेरी समस्या है जिसमें कि एक व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आंखों की रोशनी खो देता है। पहले मेरी आंखों की रोशनी, मेरी नाइट विजन लॉस हुई, उसके बाद मैं कंप्लीट विजन लॉस हुआ, ये करीब करीब 12-13 साल का था मैं। तो ये मानिए कि लगभग 13 साल मैंने आंखों के साथ बिताया और करीब करीब 15-16 साल की मेरी जिंदगी आंखों के बिना हो चुकी है। अच्छा। ये मेरी, जी हाँ जी, जाहिर सी बात है सर कि जब किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो उसको अपने जीवन में कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, लाइक मैंने भी बहुत की हैं, आपने भी शायद अपनी जिंदगी में किया होगा। कोई भी अनुभव अगर आप हमारे दोस्त फेसबुक के माध्यम से उनके साथ साझा करना चाहते हैं जो बिल्कुल आप बता सकते। तेजस्वी, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि आपका, मैं जैसे 34वां इंटरव्यू हूँ, मेरे को आप 34th नंबर पे इंटरव्यू कर रहे हैं, मैं आपके पास पहले आना चाहता था जी जी, पर थोड़ा मैं डरा इस बात को सुन करके कि एक ऐसी कहानी आप चाह रहे हैं जो कि प्रेरणा की स्रोत है जी। मुझे लगा कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी तक मैंने ऐसा कुछ खास किया नहीं जिसकी वजह से कि मैं दूसरे व्यक्तियों के लिए प्रेरणा बन सकूँ। एक तो ये, दूसरा ये कि मतलब इतना देर में मेरे आने का दूसरा कारण ये है कि मतलब अभी तो शुरू हुआ है सब, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है जी। और जो कुछ किया भी है उसमें भी मुझसे ज्यादा मेरे आसपास की जो अलग अलग संस्थाएं हैं, जैसे कि परिवार है या स्कूल है या ये विश्वविद्यालय हैं अलग अलग, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। उस लिहाज से भी कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच भी चुका हूँ, पहुँच पीएचडी कर भी रहा हूँ, तो भी एक प्रेरणा का स्रोत नहीं हो सकता हूँ मैं, क्योंकि
उसमें मुझसे ज्यादा मेरे आसपास के लोगों का योगदान है जी। ये एक खास बात है। और हाँ, कुछ लोग ये मान सकते हैं कि क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं और इसलिए रिसर्च कर रहा हूं, इसलिए प्रेरणा का स्रोत हूं, पर ये भी एक कारण नहीं है प्रेरणा बनने के लिए मेरी समझ में, क्योंकि ये तो समाज ने पहली बार किसी दृष्टिबाधित को मौका दिया कि वो PhD कर सके। आप समझ रहे, ये अपॉर्चुनिटी अगर 200 साल पहले समाज दे देता तो 200 साल पहले एक दृष्टिबाधित व्यक्ति आपको PhD करता हुआ मिलता। दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड दैट डिसेबल्ड को अपॉर्चुनिटीज सोसाइटी दे रही है, और उस वजह से वे यहां तक आ पा रहे हैं। तो ये भी एक कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है मेरे जिंदगी के प्रेरणाजनक होने की। पर हाँ, मतलब मैं ये समझता हूं कि सीखने के लिए मेरी जिंदगी से सिर्फ इतना है कि निरंतर प्रयास जारी रहे। जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि सीखने के लिए निरंतर प्रयास जारी रहे, जाहिर सी बात है। और इस पर लाइक प्रयास में फैमिली का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा योगदान होता है सर। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी ये जो सफलता है, जो आपकी ये जो बुलंदियाँ हैं, आप PhD कर रहे हैं JNU से, इसमें परिवार का कितना योगदान रहा, उन्होंने आपकी जो है जो इस डिसेबिलिटी को किस तरह रूप में देखा और किस तरह से उन्होंने इस चीज़ में आपका सहयोग किया? ये बहुत बुनियादी और बहुत रोचक प्रश्न है जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी व्यक्तित्व के निर्माण में संस्थाओं की बहुत अहम भूमिका होती है, उन्हीं में परिवार भी एक है, और मेरे अभिभावकों की भी एक सकारात्मक भूमिका मेरे यहाँ तक आने में रही है जी। एक ऐसा व्यक्ति जो कि इस मायने में अनोखा है कि वो परिवार में एकमात्र वैसा है, ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करना और आगे के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना, ये मैं उनकी इस बात के लिए सराहना करता हूँ। पर साथ में क्योंकि मैं बहुत जल्दी अपने जिंदगी के आरंभिक चरणों में ही छात्रावास में चला गया था अपनी पढ़ाई के लिए, मैंने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ा जी। और ऐसे में अभिभावकों के साथ साथ मेरे सफलता और मेरे व्यक्तित्व के विकास में जो मेरे दोस्त थे या मेरे सहपाठी थे या मेरे अध्यापक अध्यापिकाएं थी, उनकी भी उतनी ही क्रिटिकल भूमिका है, उतना ही समालोचनात्मक रोल है उनका भी मेरे विकास के लिए जी। पर हाँ, मैं ये समझता हूँ कि अभिभावकों की इतनी भूमिका जरूर है कि उन्होंने एक उचित समय पर उचित स्कूल में मेरा दाखिला करवाया और इस लायक बनाया कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकूं। दूसरा ये कि मैं गांव और शहर के मिले जुले संदर्भ से आता हूं जी। वो ग्रामीण अंचल का खुलापन और शहरी जीवन की जटिलता, वो दोनों कहीं ना कहीं मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए एक बहुत ही सकारात्मक भूमिका में हमेशा रहे। आमतौर पर ये माना जाता है कि गांव से आने वाली गांव का समाज बंद है, पर मेरी समझ में गांव ने मुझे वो अवसर दिया कि मैं आत्मविश्वास प्राप्त कर सकूं बड़े समाज में, समाज के बड़े समूहों में भागीदार बनने। जैसे कि मुझे याद है मेरे गांव में जब कबड्डी या वॉलीबॉल होते थे, मैं पहाड़ी हूँ तो वहाँ पर क्रिकेट या हॉकी नहीं खेली जा सकती है, और वॉलीबॉल और कबड्डी खेलते हैं लोग, तो वहाँ पर दरअसल जैसे मेरे कजन्स को या मेरे भाई लोगों को ये पता था कि मैं खेल नहीं सकता हूँ जी, पर वो मुझे उस मैच को देखने के लिए जरूर ले जाते थे, विटनेस करने के लिए। तो युद्ध लड़ने वाले की जितनी भूमिका होती है उतनी उस में जय घोष करने वाले की होती है जी, बिल्कुल। तो इतना एक पार्टिसिपेटिंग रोल में मैं हमेशा रहता था, ऐसा नहीं था कि मैं घर के अंदर बंद रहता था। सो दीज स्मॉल bits, you know, those small things have played an eminent role, a critical role in forming my personality. तो ये पूरा का पूरा लिखा चुका है तेजस्वी। जी बिल्कुल सर, आपकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड आई होप कि हमारे मित्रों को भी इससे बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा किस तरीके से फैमिली और दोस्तों का आपके जीवन में आपका पूरा सहयोग रहा है।
और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सर जेएनयू में जो है आपको किस लाइक क्या अभी तक अनुभव रहा और किस तरह की लाइक परेशानियों का अभी तक कुछ देखना पड़ा या फिर कुछ ऐसी बात रही? तेजस्वी, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत उन्नतिशील विश्वविद्यालय है. इट्स ए प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूट इन अ रियल सेंस. जैसे कि जेएनयू का मेरी जिंदगी में क्या रोल रहा, ये अगर मैं बताऊं आपको, तो जेएनयू में आने से पहले मैं अपनी डिसेबिलिटी को लेकर के बहुत नेगेटिव था. मुझे ऐसा लगता था यार देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ मी. लेकिन जेएनयू में आने के बाद मैंने स्वीकारा कि यार दिस इज द रियलिटी जिसके साथ मुझे जीना है और आगे बढ़ना है. तो जेएनयू की सबसे जो अहम भूमिका मेरी जिंदगी में रही वो ये रही कि इसने मुझे अपनी डिसेबिलिटी को एक्सेप्ट करना सिखाया जी. और दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक संस्था किसी भी तरह से एक व्यक्तित्व के निर्माण में एक बहुत अहम भूमिका निभाती है. कहीं ना कहीं जिस मकसद को लेकर के मैं यहाँ आया अनुसंधानकर्ता के रूप में, रिसर्च स्कॉलर के रूप में, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने मुझे हमेशा एक बहुत ही ये मायनों में, सही मायनों में मदद की कि मैं अपनी रिसर्च बहुत इजीली परस्यू कर सकूं. उसमें कुछ डिफिकल्टीज हैं, हम लोग धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं. और पहली बार यहाँ आकर के ये एहसास हुआ कि सच में संस्था कितनी अहम होती है एक व्यक्तित्व के विकास के लिए. एक कोई भी कार्य किया जाना हो, आप कितने भी एफिशिएंट क्यों ना हो तेजस्वी, जब तक एक इंस्टीट्यूट आपको वो सब अवेलेबल नहीं करवाता, वो सब प्रोवाइड नहीं करवाता जो आपको चाहिए, तब तक आप मेरी समझ में अपनी क्षमताओं पर विकास नहीं कर पाते. इस लिहाज से जेएनयू एक बहुत ही अहम जगह है मेरे लिए. जी बिल्कुल सर, हमारे बहुत से अभी तक गेस्ट रहे हैं, फीमेल गेस्ट भी रही हैं, और उनसे भी मैंने ये सवाल कई बार पूछा है. पर्सन विद डिसेबिलिटी को जो है अपने जीवन में लाइफ पार्टनर को लेके बहुत सी समस्याएं आती हैं. और जैसा, जी, और जैसा हमारे फीमेल गेस्ट ने भी बताया कि कोई रिलेशनशिप रहता है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है, या फिर अगर उनकी रिलेशनशिप या शादी कुछ होती भी है तो बहुत सी दहेज देके और इस तरह से शादियां होती हैं. तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों है और उनको इतनी सारी परेशानियां क्यों अपने लाइफ में फेस करनी पड़ती है? क्या वो समाज का जो ऐसा नेचर, क्या रवैया है, क्या आपको लगता है? अगर इसके ऊपर कुछ भी अपना विचार बताना चाहते हैं. जी बिल्कुल तेजस्वी, ये बहुत ही बुनियादी प्रश्न है और इसके अलग अलग उत्तर आपको मिल सकते हैं. इसको ऐसे कहना कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को लाइफ पार्टनर मिलने में दिक्कत होती है, मेरे हिसाब से और मेरे अनुभवों के हिसाब से एक गलत एक तरीके से वाक्य होगा. मेरे जीवन में बहुत सारी महिला मित्र रही और उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेरी जिंदगी में. मेरी स्कूल में मेरी एक खास दोस्त थी, वो महिला मित्र थी, और उसके बाद कई और महिला मित्रों ने, मतलब ये जो कहावत है कि हर सफल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, जी जी जी, मैं उसका एक जीता जागता उदाहरण हूँ. क्या बात. अभी भी मेरी जिंदगी में एक बहुत अच्छी मेरी वुमेन फ्रेंड है. क्या बात. और आई मीन मुझे कभी इस तरीके का अनुभव नहीं हुआ कि डिसेबिलिटी की वजह से लाइफ पार्टनर मिलने में दिक्कत हो, या वैसे भी सेशनल फ्रेंडशिप में भी दिक्कत हो. मतलब कई बार फ्रेंडशिप सेशनल भी होती है ना, इस साल के लिए है, अगले साल. सर ऐसा भी है कि बहुत सी जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं वो डिसेबल्ड लोगों की डिसेबल्ड से ही शादी करवाती हैं, तो ये समस्याएं भी हैं. या फिर लोगों की धारणा है कि अगर इसको कोई परेशानी है तो उसको लाइक जो इसको ये परेशानी है तो उसको वैसे ही लोगों से ही शादी कराओ, तो ऐसा क्यों है सर? इसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि एक जो नकारात्मक रवैया है समाज का, कि डिसेबल्ड होने का मतलब है नॉन फंक्शनैलिटी. मतलब इफ यू आर ए ब्लाइंड गर्ल, अगर आप लड़की हैं और आप देख नहीं सकती हैं, समाज उसको ऐसे लेगा कि वो घर का काम नहीं कर सकती है, या वो नौकरी नहीं कर सकती है. ब्लाइंड व्यक्ति है, पुरुष है, तो अगर ट्रेडिशनल रोल्स में भी लिया जाए तो अगर किसी, मान लीजिए
व्यक्ति किसी स्त्री के माता पिता के पास में गया कि जी मुझे आपकी पत्नी आपकी सॉरी आपकी बेटी से विवाह करना है, तो वो ये सोचेगा कि नहीं यार ये तो काम नहीं कर पाएगा, ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बेयर नहीं कर पाएगा जो कि एक लाइफ पार्टनर को करनी चाहिए। तो ये जो डिसेबिलिटी के साथ नॉन फंक्शनैलिटी का नोशन जुड़ा हुआ है जी। ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए एक जिम्मेदार कारक है कि स्त्री और पुरुष जो भी ब्लाइंड हैं या और तरीके की डिसेबिलिटीज से के साथ जी रहे हैं जी। उनको पार्टनर्स मिलने में दिक्कत होती है, पर मैं फिर भी ये मानता हूं जी कि लाइफ पार्टनर मिलना और शादी करना एक व्यक्तिगत मसला है। किसको लाइफ पार्टनर मिल रहा है किसको नहीं मिल रहा है इसका क्योंकि सर कोई भी सीधा संबंध डिसेबिलिटी से नहीं है, मेरा अनुभव ये कहता है जी जी। लेकिन आई हैव मेनी फ्रेंड्स जी, लाइक सर ये सवाल मेरा इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी एक मित्र है निशा शर्मा जी हाँ, और उनका ये कहना था कि लाइक अभी तो चलिए आप जैसे आप अपने आप को मैनेज कर लेते हैं, लाइक आप नौकरी कर लेते हैं जॉब कर लेती हैं चाहे जो भी है yes. लेकिन एक टाइम आता है जब ओल्ड एज होता है तो उसके लिए भी आपके फ्यूचर प्लान्स होते हैं yes. तो उस टाइम पे तो किसी ना किसी पार्टनर की बहुत ही जरूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इस चीज पे बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि पार्टनर को मिलने में ही इतनी दिक्कतें क्यों आ जाती हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी। नहीं वही मैंने आपको बताया कि दरअसल ये थोड़ा सा नेगेटिव एटीट्यूड है सोसाइटी का जी कि ब्लाइंड या ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है तो वो उन नॉर्म्स पर खरा नहीं उतर पाएगा या वो रोल्स परफेक्टली निभा नहीं पाएगा जो कि उससे एक्सपेक्टेड हैं। जैसे कि अगर एक पत्नी से ये एक्सपेक्टेड है कि वो हाउस होल्ड चोर्स का ध्यान रखे और उनको परफेक्टली करे तो लोग ये मानेंगे कि यार सिंस शी कैन नॉट सी तो वो नहीं कर पाएगी। जैसे आपने ये हाउस होल्ड का भी एक सवाल आपने बताया जी हाँ। ये लाइक सर ये हमारे समाज का एक बहुत कड़वा सच है कि लड़का लड़की में आज भी बहुत भेदभाव किया जाता है जी हाँ। और हमारे जितने भी अभी तक फीमेल गेस्ट रही हैं उनसे भी मैंने पूछा है कि क्या जो पर्सन विद डिसेबल्ड बॉय है और पर्सन विद डिसेबल्ड जो गर्ल है उनके लिए क्या समाज में भेदभाव बिल्कुल बदल जाते हैं, उनके लिए चैलेंजेस बिल्कुल अलग हो जाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है सर, आप क्या मानते हैं इस चीज को? तेजस्वी बहुत बुनियादी प्रश्न आप पूछ रहे हैं, एक बार पुनः मैं सराहूंगा आपको इस प्रश्न के लिए। ये एक बहुत ही कड़ी सच्चाई है कि स्त्री पैदा होना अपने आप में इस समाज में एक अभिशाप माना जाता है। इस पितृसत्तात्मक समाज में जो कार्य का विभाजन है वर्क डिविजन है उसमें विमेन को हमेशा बहुत ही लोअर या बहुत रिप्रोडक्शनल तरीके के वर्क से जोड़ करके देखा जाता है पहले से ही, और ये माना जाता है कि उनकी उतनी अहम भूमिका नहीं है जितनी कि एक पुरुष की है। ऐसी स्थिति में अगर हाँ इस बात पर आने से पहले मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए डिसेबिलिटी में डिफरेंस न केवल इस बात को लेकर के होता है उनके साथ जो यूं कहें कि जो समाज का रवैया है वो न केवल इस बात को लेकर के बदलता है कि वो फीमेल है या मेल है, बल्कि इस बात को लेकर के भी अनुभव अलग अलग हो सकते हैं कि एक डिसेबल्ड गांव का है या शहर का है, एक डिसेबल्ड अमीर है या गरीब है, एक डिसेबल्ड पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये भी क्राइटेरियाज हैं जिन पर कि अलग अलग व्यवहार हमें देखने को मिल सकते हैं। मेल और फीमेल की आपने जहां तक बात की उसमें यह है कि विमेन विद डिसेबिलिटी ज्यादा वल्नरेबल होती है उस लिहाज से कि एक तो सोसाइटी पेट्रियार्कल है, आपकी डिसेबिलिटी ऐसे में डबल हो जाती है। और तो सर क्या आपको लगता है कि अभी भी बहुत पैट्रियटिकल सोच है लोगों की, क्योंकि इंडिया को तो आप डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है? नहीं जी हाँ, देखिए पैट्रियटिकल सोच है ही, जैसे बहुत सारे अभिभावक ये कहते हैं कि अरे मेरा बच्चा विकलांग है तो क्या है, पुरुष है। अच्छा बहुत सारे ऐसे लोग मैंने ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं लोगों से कि कोई नहीं बेटा आप दोनों आप जैसे आप हैं, या उन एक मैंने एक फ्रेंड के पेरेंट्स हम दोनों मिल रहे थे तो कह रहे थे कोई बात नहीं बेटा आप दोनों हो लेकिन आप कम से कम मेल तो हो, उनका सोचिए जो फीमेल है और फिर भी डिसेबल्ड है। तो इस तरीके का एटीट्यूड है सर्टेनली। और देखिए ये बहुत बड़ा अपने आप में कारण है कि एक लड़की
डिसेबल्ड भी है और विकलांग भी है और उसके साथ प्रताड़ना हो, ये इसकी संभावनाएं डबल हैं, डबल डिस्क्रिमिनेशन की संभावना है। क्योंकि देखिए जिस तरीके की क्या कहें कि हमारे समाज में, हमारे देश में जिस तरीके के सिस्टम्स हैं उसमें एक लड़की के लिए एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल है। आप पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप विमेन हैं और डिसेबल्ड हैं तो ऐसे में ये संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आपके साथ ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर ज़्यादा हो। तो सर ये जो एक्ट पास हुआ है 2016 में पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि कितना बेनिफिशियल है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके, अगर ये वुमेन्स को भी लेके खासकर? हाँ, ये एक कदम आगे तो है संभवतः जी, इस लिहाज से कि बहुत सारी और तरह की डिसेबिलिटीज अब इसमें शामिल हो गई हैं, सोशो साइकिक डिसेबिलिटी या साइको सोशल डिसेबिलिटीज, उनको कुछ भी कह सकते हैं आप, वो डिसेबिलिटीज अब इनमें आ गई हैं। पहले 7 थी, अब 21 तरह की हो गई हैं। और एसिड अटैक्स वाले विक्टिम्स भी इसमें आ जाते हैं, जो कि महिलाएं ज्यादा होती हैं एसिड अटैक की विक्टिम। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये कदम आगे है, पर इसमें बहुत सारी और संभावनाएं हैं सुधार के लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो हमारा कोर्ट है CCPD, चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी, जहां पर कि हम अपने इश्यूज को ले जाते हैं, कोई भी ह्यूमिलेशन डिस्क्रिमिनेशन का इशू होता है जी। उसको हम चाह रहे थे कि नेशनल कमीशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी हो, जैसे कि वुमेन के लिए है या SC/ST के लिए है, नेशनल कमीशन है उनके लिए जी। उसी लाइन पर हम लोग चाह रहे थे कि एक राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था हो जी। और दूसरी बात, ये जो CCPD है इसके निर्णय सजेस्टिव लिए जाते हैं जी, मतलब इन्फोर्सेबल नहीं होते हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह। यानी कि अगर JNU में मान लीजिए मेरे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हुआ, तो मैंने CCPD में केस कंप्लेन की जी, तो ऐसी स्थिति में JNU को सजेशन दे सकता है जी, CCPD उसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि इन्हें आप फोर्सफुली करिए। तो एक क्वासी कोर्ट है ये, इसको कंप्लीट कोर्ट बनाया जाना चाहिए था, ये भी हमारा एक था जो कि अभी नहीं हुआ है, पर हाँ भविष्य उज्जवल है। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि सुरक्षा को भी लेके पुलिस जो है, सिक्योरिटी जो है, इतना अवेयर है? क्योंकि जैसे आपने बात की कि एसिड अटैक्स को भी अब डिसेबिलिटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि लोग जो है सुरक्षित हैं? लाइक पर्सन विद डिसेबिलिटी केस में तो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है, और वुमेन विद डिसेबिलिटी में बिल्कुल बिल्कुल खास कर, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि कितना आप लग सिक्योर महसूस करते हैं या फिर और किन किन चीजों की जरूरत है इस चीज में? तेजस्वी, सबसे ज्यादा जरूरत है कि हम लोगों को सेंसिटाइज करें जी। देखिए लॉ बना देना अलग बात है, बिल्कुल, कानून का पालन करना अलग बात है, पर किसी भी समस्या को महसूस करना वो अलग बात है। एक पुलिस वाला है, वो आ रहा है पैट्रियार्कल सोसाइटी से जी, मान लीजिए वुमेन विद डिसेबिलिटी, उसके पास कोई केस लेके जाती है, सर मेरे साथ ऐसा हो गया, हाँ हाँ, अरे तुम ही घूम रहे होगी बाहर, अरे उस तरीके से बोल देते हैं लोग, है ना? ये तो विमेन के साथ ही होता है, अरे आप रात में क्यों घूमती हैं मैडम, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस तरीके से माइंडसेट को चेंज करना बहुत जरूरी है। गांधी भी कहते थे जी कि कानून लाख बना दीजिए आप, जब तक आप नैतिक रूप से ये मानना शुरू नहीं करेंगे कि ये गलत है ये सही है, तब तक बदलाव की संभावना बहुत कम है। मेरी समझ में सरकार को बहुत बड़े स्तर पर कोशिशें करनी चाहिए ताकि हम संवेदनशील बना सके लोगों को व्यवस्थाओं के प्रति और लोगों के प्रति और अपने कार्य के प्रति। क्योंकि सर ये मेरा सवाल आपसे इसलिए भी इतना बेहद खास है क्योंकि बेंगलोर में भी एक इशू हुआ और वो देख के हर कोई दहल गया, पूरे विश्व के लोग, हिंदुस्तान के लोग दहल गए। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लेके इस केस में तो मैं इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना सपोर्टिव होगी चीज। देखिए उसमें ये है कि अलग अलग तरह की जैसे डिसेबिलिटीज होती है, जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट जी, वुमेन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट का आप एग्जाम्पल लें, एक वुमेन है जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ, अब आप बताइए वो पुलिस को पता नहीं है कि उससे कैसे कम्युनिकेट करे, बिल्कुल साइन लैंग्वेज आती नहीं है पुलिस वाले को, बिल्कुल थाने में आपको पता नहीं, बिल्कुल तो वो केस ही रजिस्टर नहीं होगा। दूसरा वुमेन विद ब्लाइंडनेस का जैसा मसला है, बिल्कुल उसके साथ कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है इस तरीके का, बिल्कुल शी विल नॉट बी एबल टू सी द पर्सन, है ना, उसको देख नहीं पाएगी, तो नहीं। वो लोग वो इस तरीके का मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे कि ये व्यवस्थाएं और पुख्ता की जा सके और इनको थोड़ा सा और जटिल किया जा सके। तो आपके हिसाब से क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसमें बदलाव आने की और भी बहुत ज्यादा जरूरत है?
देखिए जैसा मैंने कहा कि एक तो सेंसिटिव कैंप्स सेंसिटिविटी कैंप्स लगाए जाएं पुलिस वालों के साथ, समाज और पुलिस के बीच की यार समाज या कानून के बीच की जो दूरियां हैं उसको कम किया जाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा कदम है जो कि महात्मा गांधी ने भी सुझाया था और मैं भी सुझा रहा हूं कि सोसाइटी ट्रस्ट करे मैकेनिज्म्स पर। एक वुमेन को ये विश्वास हो कि वो अगर वसंत कुंज थाने में जाएगी तो उसकी सुनी जाएगी, वो पहले ही इस माइंडसेट से ना जाए कि अरे वो तो पुलिस वाला नेगेटिव है। इसके लिए मैं समझता हूं कि जो हमारी व्यवस्था है कानून व्यवस्था और उसके साथ जुड़े हुए जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। समाज के अनेक वर्गों और अलग अलग तरहों के अनुभवों को लिए हुए लोगों के साथ काम करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि पुलिस वाले और कानून के जो संरक्षक हैं, न केवल पुलिस वाले, वो संवेदनशील हों इस बात के लिए। सर जैसा आप कानून व्यवस्था पे काफी जोर डाल रहे हैं, लेकिन मैं आपसे बात पूछना चाहता हूँ, जानना भी चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कानून कितना सोचता है चीज के बारे में। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल डिमोनेटाइजेशन का केस ले लीजिए, ये जो टर्म आया दिव्यांग, इससे भी पर्सन विद डिसेबिलिटी को बहुत परेशानी है। जी हाँ। और जैसे मैं योग का विद्यार्थी हूँ तो इंटरनेशनल योगा डे ले लीजिए, लाइक ये सवाल मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि योगा अब ये चीज हमारे चीज में शामिल हुई है, एक डे सेलिब्रेशन होता है तो उसमें लोग कितना इन्वॉल्व हो पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सरकार इन चीजों पर बहुत सोचती है, जैसा आप बोल रहे हैं सरकार को इस चीज पे ध्यान दें? क्योंकि मुझे तो अभी भी चीज को लेकर बहुत डाउट होता है। डिमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ा इशू रहा है सभी के लिए। जी हाँ। दिव्यांग टर्म भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जेएनयू में लोगों को, जिसने भी मैंने बात की। जी हाँ। तो आप इस पे थोड़ा सा बताएं कि कितना हद तक सरकार सोचती है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेकर। सरकार बहुत कम सोचती है इस बात, और सरकार ना कहूं तो ये, ना भी कहूं तो ये कह सकता हूं मैं कि राज्य बहुत कम सोचता है। ये स्टेट का मसला है दरअसल, क्योंकि अब सिर्फ एक सरकार का मसला नहीं है जी, ये तो राज्य का मसला है। राज्य कैसे अपने नागरिक को लेता है, और क्या राज्य एक ब्लाइंड पर्सन को या अन्य तरीके की डिसेबिलिटी के साथ जीने वाले व्यक्ति को नागरिक समझता है भी कि नहीं समझता, ये है मुख्य मुद्दा। क्योंकि जिस तरह से मोदी जी ने नोट बदल दिए रातों रात, अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि पर्सन विद डिसेबिलिटी को उस नोट को पहचानने में कितनी परेशानी होगी। एक तो एसेसिबल इंडिया की बात की जाती है और रैंप, हाँ डिजिटल इंडिया, और बोले तो एसेसिबल इंडिया, मेक इन इंडिया, बट रैंप नहीं है, लिफ्ट नहीं है, स्टेयर्स ठीक नहीं है, लोग कहीं भी थूक रहे हैं, तो इस तरह की परेशानियां, रोड सही नहीं है, पर्सन डिसेबल्ड वहां तक पहुंच नहीं पाता है। तो मुझे तो किसी हद तक नहीं लगता कि उस चीज पे जिस तरह से हम जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर इस वीडियो के माध्यम से मेरी जो कोशिश है कि अवेयरनेस फैले, ये तीन घटनाएं मेरे सामने अभी भी हैं, और कितना सोचती है सरकार, ये अभी भी मेरा सवाल है। और क्या और बदलाव आप चाहते हैं सर? जैसा मैंने कहा कि सरकार बहुत कम सोचती है। जी, और जी, जो अभी हाल के मुद्दे हैं जैसे कि डीमोनेटाइजेशन का ही हम मुद्दा लें, जी इसमें यूं समझिए कि जब सुधार के लिए प्रयास किया गया तो सुधार किन तक, किन लोगों तक पहुंचेगा, ये भी एक उससे जुड़ा हुआ प्रश्न है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि अगर आप करप्शन को खत्म कर रहे हैं तो करप्शन को खत्म करने से समाज के कौन से ऐसे वर्ग हैं जो कि लाभान्वित होंगे, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था, जो कि मैं समझता हूं कि ध्यान में नहीं रखा गया। मतलब करप्शन अगर आप मिटा भी देंगे तो क्या है, जब तक समाज के सबसे निचले तबके वाला व्यक्ति उससे लाभान्वित ना हो राज्य की किसी व्यवस्था से, जब तक समाज के सबसे नीचे निचले तबके का व्यक्ति लाभान्वित ना हो तब तक उसको एक लोकतांत्रिक प्रयास नहीं कहा जाना चाहिए। तो डीमोनेटाइजेशन का जैसे हुआ अभी मसला पूरा शुरू, इसमें पर्सन विथ ब्लाइंडनेस और पर्सन विथ अदर डिसेबिलिटीज के जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उनको बिल्कुल दरकिनार किया गया। जैसे कि डीमोनेटाइजेशन के लिए तैयारी जब की बात होती है तो अनेक तरीकों की बात करते हैं लोग, शहर में एटीएम, इधर एटीएम, वो, लेकिन टॉकिंग एटीएम की बात कोई नहीं करेगा क्योंकि वो लोगों के संज्ञान में ही नहीं है, कॉग्निशन में ही नहीं है। उस एटीएम मशीन के आगे रैंप की बात कोई नहीं करेगा, कोई नहीं कहेगा कि रैंप लगाना चाहिए वहां पे और वहां पे चढ़ना चाहिए आपको, नोबडी वुड से दैट। ये
बुनियादी प्रश्न अभी तक बुनियादी इसलिए नहीं बन पाए हैं तेजस्वी, क्योंकि सरकार में पर्सन विद डिसेबिलिटी को रिप्रेजेंट करने वाला व्यक्ति कोई नहीं है। लोकसभा में आज तक एक भी कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी जयपाल रेड्डी के अलावा कोई और नहीं गया जो एमपी हो, लोकसभा में राज्यसभा में भी। तो मैं ये समझता हूं कि एक तो कोशिशें स्तर पर भी की जानी चाहिए कि पॉलिटिकली इन्वॉल्व किया जाए लोगों को, और ये जेएनयू के जो जेएनयू में जो अलग अलग स्टूडेंट विंग्स हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को इंक्लूड कीजिए पॉलिटिकल स्फेयर्स में, ताकि उनके लिहाज से और उनके लिए क्या आवश्यक है इस इन बातों पर गौर किया जा सके, और उनकी बारीकियों से हम जो अलग अलग मैकेनिज्म्स काम कर रहे हैं समाज में सुधार के लिए उनको अवगत करा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों हम रितेश तोमर जी को सुन रहे हैं एंड आपने इनकी बातों को सुना, इनके विचारों को सुना, एंड आई होप कि इनकी बातों से भी आपको बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ जानने को मिल रहा होगा। लेकिन एक बार फिर से रितेश जी, मेरा आपसे ये सवाल है, और ये बेहद मेरा खास सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है, क्योंकि पूरे विश्व में मुझे केवल योग के लिए जाना जाता है। और रितेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि पर्सन विद डिसेबल्ड योग को लेकर कितना अवेयर है, और हम आपके लिए ऐसा क्या करें कि इस चीज़ से आप भी जुड़ सकें और अपनी लाइफस्टाइल को बेटर बना सकें। अगर इसके ऊपर कोई भी अपना सुझाव देना चाहें तो जी बिल्कुल। तेजस्वी, योग बहुत आवश्यक चीज है जी, और विश्व ने इसको बहुत देर से पहचाना, ये विश्व की नाकामी है जी। मेरी समझ में मैं खुद प्राणायाम करता हूँ। अच्छा। और अभी हाल ही में अभी तो मैं विपासना के लिए भी जाने वाला हूँ 10 दिन के लिए। अच्छा। देहरादून जी। हालांकि विपासना और प्राणायाम में कुछ परस्पर विरोधी बातें हैं, जैसे कि ब्रीथ रेगुलेशन को लेकर के हम लोग योगा में बात करते हैं, लेकिन विपासना में हम ये नहीं कहते कि आप रेगुलेट करें, उसको नेचुरली आने जाने दें, जैसे हम लोग अनुलोम विलोम करते हैं, तो इसमें हम ब्रीथ को रेगुलेट करते हैं। विपासना का थोड़ा अलग मसला है, पर हाँ बुनियादी प्रश्न ये है जी, जी, जी। योग से कितना लाभान्वित हो सकते हैं हम? देखिए योग क्योंकि ये प्रश्न सर मेरा इसलिए भी है क्योंकि मैंने बहुत से अपने गेस्ट से बात की जो पर्सन विद डिसेबल्ड हैं या फिर विजुअली इम्पेयर्ड हैं, उन्होंने बताया कि उनको अभी भी लाइक उनको एक पर्सनल ट्रेनर चाहिए, उनको ब्रेल्स में बुक्स चाहिए, ऑडियो चाहिए जिसके माध्यम से वो ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, जान सकें और उनको सही तरीके से उस चीज को उनका लाभ दिया जाए। तो ये समस्याएं क्या आपके साथ भी रही है, क्योंकि आपने बताया कि आप योग करते हैं? जी हाँ, मेरे साथ रही। और देखिए ऑडियो वीडियो में मटेरियल अवेलेबल करवाना और पर्सनल ट्रेनर होने से ज्यादा बेहतर ये आवश्यक है हमारे लिए कि योगा की कुछ प्रैक्टिसेस में भी फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। जैसे मैं योगा में प्रकाश बोलते हैं, आपकी आप आंख बंद करके प्रकाश को अपने माथे पर ऐसे कॉन्सेंट्रेट करिए, वहां पर प्रकाश आप या एक लाइट पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिए आप। इस तरीके की बातें मेडिटेशन में योगा में आती हैं। हाँ, त्राटक में बोलते हैं। जी हाँ, एक लाइट पे कॉन्सेंट्रेट करना। हाँ, पर जिस व्यक्ति की जिंदगी में प्रकाश ही नहीं है, वो व्यक्ति प्रकाश पे फोकस करे ये कैसे हो सकता है? तो ऐसे में योगा में कुछ ऑल ऑल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी होनी चाहिए जी, कि आप बता सकें कि प्रकाश नहीं तो ये। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझे आप जी। अब जैसे किसी का जीवन में प्रकाश की है ही नहीं, अहमियत ही नहीं, कोई बाय बर्थ ब्लाइंड है, उसके लिए लाइट की जीरो इंपॉर्टेंस है, लाइट की इमेजिनेशन ही नहीं है उसमें, प्रकाश क्या होता है उसको पता ही नहीं है, ऐसी स्थिति में वो कैसे योग करेगा, प्रैक्टिस करेगा? दूसरा ये कि आमतौर पर योगा बड़े समूहों में करवाया जाता है, जैसे कि हम यहाँ भी करते हैं बड़े समूह में, और अच्छी बात भी है, बड़े समूह में करना चाहिए और डिसेबल्ड को भी बड़े समूह में करवाना चाहिए, नो डाउट। पर उसके साथ साथ ये आवश्यक है कि बड़े समूह में, क्योंकि इंस्ट्रक्शन बहुत दूर से दी जाती है, बोल के ऐसे करो ऐसे करो, कपाल भाती जी, जी। अनुलोम विलोम ऐसे करो, ये वाला उंगली वैसे, वो ये ऐसे, यूं ऐसे जी। लेकिन वो ब्लाइंड पर्सन नहीं समझ पाएगा, उसको हाथ से छू के आपको बताना पड़ेगा कि त्रिबंध कैसे करना है, कपाल भाती कैसे करना है, अनुलोम विलोम कैसे करना है, ये कैसे योगा अलग अलग करने हैं आपको, ये आपको उसको हाथ से छू करके बताने पड़ेंगे, और छू करके ही नहीं बताने पड़ेंगे जी। देखिए मात्र छूने से या उसको हाथ से पकड़ करके बता देने से काम नहीं चलेगा जी, कि एक पूरा मेथड विकसित होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए जी। समझ रहे हैं आप? उसमें भी इशू हो सकता है, जैसे ट्रेनर अगर कोई मेल है हाँ। और प्रैक्टिशनर अगर कोई फीमेल है वो छू के बताएगा तो हो सकता है फीमेल को उसको दिक्कत हो, तो उसमें आपको मेथड होने चाहिए आपके पास प्रॉपर, कि आप किस तरीके से उसको योगा प्रैक्टिस करना सिखाएं, टच करके सिखाएं, लेकिन कैसे सिखाएं, उसमें बहुत सारे मेथड्स
यूज में लाए जा सकते हैं, स्टैचूज, फ्लेक्सिबल स्टैचूज यूज में लाए जा सकते हैं, और जैसा आपने कहा टेक्स्ट बुक्स का, टेक्स्ट बुक तो बहुत नीरस होती है, किताब बहुत बोरिंग चीज होती है, कोई और इंटरेस्टिंग चीज के माध्यम से आप उसको बता सकते हैं जी, जी। तो ये छोटी छोटी कोशिशें करके योगा को हम एक्सेसिव और इंक्लूसिव बना सकते हैं जी, बिल्कुल। तो दोस्तों हम रितेश तोमर जी को सुन रहे हैं और जैसा इन्होंने योग के बारे में बताया, एंड आई होप कि विश्व में जितने भी मेरे दोस्त मेरे मित्र जो योग करते हैं, योगा प्रैक्टिशनर हैं, उस वीडियो को देख रहे हैं जैसा रितेश जी ने बताया, उसमें बदलाव लाने की कोशिश करेंगे, उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे ताकि ये लोग भी उनसे जुड़ सकें और उसका योग का जो है लाभ उठा सकें। और जैसा रितेश जी ने बताया आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को दोस्तों रितेश जी से मिला और हम इनको सुन रहे हैं। लेकिन जाने से पहले रितेश जी, अगर आप हमारे मित्रों को पूरे विश्व में जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको कोई भी संदेश कोई भी मैसेज देना चाहें तो जी बिल्कुल आप बता सकते हैं। सिर्फ दो लाइनें कहूंगा दोस्तों जी, जिंदगी जीने के लिए, क्योंकि मैं ब्लाइंड हूं तो कई बार लोग इसको नेगेटिवली लेते हैं, तो मैं ये कहूंगा कि देखिए जिंदगी जीने के लिए नजर नहीं नजरिए की जरूरत है। क्या बात, अगर आप का नजरिया अच्छा है तो आपकी नजर ना भी हो या आपके पैर ना भी हो हाथ ना भी हो आप एक बहुत हैप्पी लाइफ लीड कर सकते हैं। क्या बात है। रितेश जी मैंने ये भी सुना कि आप सिंगिंग में भी काफी इंटरेस्टेड हैं। जी हाँ जी, मैं गायक हूँ और आपने काफी सारे ऑडिशंस भी दिए हैं और जीटीवी और इस तरीके से भी चैनल पे आप गए। एग्जैक्टली, मेरे ऑडियो एल्बम्स भी हैं उत्तराखंड में, आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। क्या बात, एक लाइन जाने से पहले हमारे दोस्तों को कुछ भी सुनाए, बढ़िया मजा आ जाएगा सर एकदम। प्लीज माए नी मेरी शिमले दिरा है, चंबा कितनी की दूर है, चंबा कितनी की दूर, ओ शिमले नी बसना कसौली नी बसना, चंबे जाना जरूर है, चंबे जाना जरूर। थैंक यू। क्या बात है। तो सर आपने बताया आप हिमाचल से, कहाँ से? मैं देहरादून का हूँ। आप देहरादून से सर, लेकिन एक चीज जाने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि देहरादून में जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी को लेके कितनी अवेयरनेस है लोगों में कंपेयर टू दिल्ली? वही देहरादून में तो सबसे बढ़िया इंस्टीट्यूट है विजुअली इंपेयर्ड NIVH देहरादून मॉडल स्कूल फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड। जो सोसाइटी के आसपास के लोग हैं वो क्या सोचते हैं इस चीज को? समाज तो नकारात्मक है अभी भी। अच्छा, जैसे मुझे कहते हैं अरे कितना अच्छा हैंडसम दिखता है, आंखें होती तो कितना बढ़िया होता। तो मैं कहता हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आंखें होती तो मैं इतना बढ़िया ना होता। तो ये कई ऐसा नहीं है कि डिसेबिलिटी हमेशा जिंदगी में नेगेटिविटी लाती है, आपकी जिंदगी को मीनिंग भी देती है डिसेबिलिटी। क्या तो समाज, लेकिन हाँ नकारात्मक है और निरंतर प्रयास जारी है। हम तो ये समझते हैं, अपने आप को रोल मॉडल समझते हैं या एक तरीके से एंटरप्रेन्योर समझते हैं इस कार्य के लिए कि हम समाज को लगातार अवेयर कर रहे हैं और उनसे बातचीत करके उनको कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा रास्ते पर आए लोग और सोचे समझे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो दोस्तों सुना आपने रितेश जी को, उनके विचारों को भी, हम सभी के लिए बहुत, मैं बोलूंगा आज मेरे लिए बहुत बड़ा अच्छा दिन रहा, इंस्पायरिंग दिन रहा। और रितेश जी आज मेरी बहुत ही खास बोले तो रिक्वेस्ट पे आए हैं और इन्होंने अपना कीमती वक्त दिया और आप सब ने भी दोस्तों आज इस लाइव वीडियो को देखा सुना हमको ज्वाइन किया, इसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड दोस्तों तब तक के लिए आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट रहें, मोटिवेट करते रहें। मैं फिर आऊंगा अपने किसी नए दोस्त के साथ, तब तक के लिए सी यू गाइस, डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय।